हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदर्स मॉम ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ राखी का ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था राखी की जो थोड़ा बहुत तैयारियाँ थी जब मैं निकल रही थी अपने घर से राखी के लिए, जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मैं ससुराल ही गई थी, फिर उसके दूसरे दिन मॉर्निंग पे ही मैं गई थी अपने मायके। सुबह 8 बजे के पहले का मुहूर्त था, तो मायके की राखी मैंने सुबह मनाई थी और रात में फिर ससुराल में राखी छोड़ने हुई थी। जा रही हूँ और आज ही निकलना है घर के लिए। स्कूल जा रहे हैं विदुर, इधर देखो। चलो, किसके साथ जाते हैं विदुर? मम्मा साथ। पहले से क्यों चढ़ रहे हो? सो एवरीवन, विदुर को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए डालूंगी और उसके बाद नहाऊंगी, फिर करूँगी पैकिंग। और बहुत सारा काम बचा हुआ है मेरा, सो मैं जितना कर पा रही हूँ जल्दी जल्दी। और जिस दिन निकलना होता है घर उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट जो काम करूँगी। अभी तो काम ही खत्म नहीं हो रहा, पैकिंग इतनी सारी है। शाम तक निकलेंगे हम लोग। और ये देखिए मेरे विदुर को, ये स्कूल से आने के बाद बदमाशी कर रहा है और मैं पैकिंग कर रही हूँ चूड़ियाँ। तो पूरी चूड़ियाँ इसने पहन ली हैं। क्यों पहनी है आपने चूड़ियाँ, बताओ? गर्ल्स हो? नो विदुर, यू आर द बॉय। गर्ल्स हो हाँ? ले लो, पहन लो चूड़ी, बन जाओ गर्ल्स। बहुत गर्ल्स बनने का शौक है ना? क्या बनना है आपको? लीली, बट यू आर तो बॉय। मेरी बेटी तो बॉयज है। चलो अपन जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं। देखिए आधा सामान मेरा पैक हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत सामान बचा है पैकिंग कर रहे हैं। और अब विदुर मेरा खाना खाएगा। विदुर है ना, खाना हाँ, खाओगे? हाँ। क्या खाओगे बताओ? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खाएगा मेरी बेटी। और स्कूल गया था आज, बता दो एक बार। गया था। मजा आता है स्कूल में विदुर को? हाँ। मजा आता है। कल क्या है विदुर, बताओ? आप बता दो कल क्या है। रक्षाबंधन है कल। क्या है? रक्षाबंधन। कल दीदी लोग राखी बांधेंगे मेरी विदुर को, है ना? और कौन? और पलक दीदी, सालू दीदी और सानिया दीदी, है ना? क्या कर रहा है? और ये आ चुके हैं खाने के लिए। सो गाइस, घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी इनको आने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कुछ रील्स बना ली जाए। सो बस मैं वहीं जा रही हूँ और अगर उसमें भी थोड़ा टाइम बच जाएगा तो मैं मेहंदी भी लगा लूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बाहर का मौसम अच्छा है, यहाँ मेरी खिड़की से ये जो गार्डन दिख रहा है, तो यहीं पे मैं जा रही, थोड़ा सा एक दो रील्स बनाऊंगी। सो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और ये देखिए खाते मैंने मेहंदी लगा ली है, टाइम बचा हुआ था। और ये विदर है। विदर क्यों टेंशन में हो? कहाँ जा रहे हो एक बार बता दो, जल्दी से बता दो एक बार। सत्ता जा रहे हो? अच्छा, किस लिए जा रहे हो? राखी के लिए? राखी के लिए। अच्छा, शाम हो गई है, निकल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तभी मैं ब्लॉगिंग कर सकूंगी। ट्राई करूँगी क्योंकि बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर और मैहर में थोड़ा सा अभी गाड़ी रोकी है इनने, मुझे हल्की भूख लगी है, तो ये मेरे लिए समोसे लेने गए हैं, तो बस मैं उसे खाऊंगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी भी कलर आ गया है। अभी तो एक बार सो के उठ गया, ये सो गया था वहां से चलते ही, अभी उठा है थोड़ी देर पहले। अरे तुम देख नहीं पाए थे।
सजाया अभी इस वाले? कल सजाया। हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस आने ही वाला है। खटखटाओ गेट। तो गाइस सुबह सुबह लगभग 7 बज रहे थे तब मैं मिठाई की शॉप पे थी और मिठाई उठाई लेके मैं गई मायके में, क्योंकि सुबह 8 बजे के पहले ही राखी बांधने का मुहूर्त था। बोल रहे थे उस दिन कुछ बहुत बुरा लगना था, पता नहीं क्या है। तो मेरी मम्मी ने बोला तो जल्दी आना, तो बस मैं ये राखी की तैयारियां कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बांध सकूँ। और मेरा मायका और ससुराल एक ही जगह है, तो मैं इसीलिए दोनों फेस्टिवल दोनों जगह इन्जॉय कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी सबसे पहले ये बुआ है मेरी आई थी, तो पापा और मम्मी को राखी बांधेंगी। हाँ बेटी, हाँ वेरी गुड, मम्मा को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। तो गाइस अभी हमारी मम्मी और पापा ने राखी बनवाई है और मैं भाव में आ रहे बांधूंगी। और ये हमारी कक्षा है, को राखी बांधी। और उसके बाद ये मेरे जो भाई हैं उनके बच्चे हैं और विदुर, तो उनको राखी बांधने के लिए हमारे चाचा जी के बेटे हैं, तो उनकी बेटी है, मतलब इनकी बहन है ये,
तो वो राखी बांधने के लिए आती है हर साल, तो वो बांध रही है। विदुर का फर्स्ट टाइम ही था तो ये राखी बंधवाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था, तो हमने इसको लालच दी कि तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, तो ये बैठा कि मैं राखी बंधा लेता हूँ। ये उल्टा ही सिस्टम चला रहा था, तो बस ये लोग बच्चे लोग राखी बंधवा रहे हैं। अभी मैं अपने कज़न लोग आए थे, भैया लोग, तो उनको भी राखी बांध रही थी मैं, और बहुत जल्दी जल्दी में हमने राखी मनाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास, क्योंकि उसके बाद बोल रहे थे उस दिन भद्रा काल लगने वाला था और फिर पूरी दिन राखी नहीं बांध सकते, रात को 8 बजे से राखी बांधेगी, तो इसलिए मैं जितना भी ब्लॉग बना सकी और भी बहुत सारी साथ में तैयारियाँ भी चल रही थी, मैंने ट्राई किया कि मैं ब्लॉगिंग करती रहूं।
सो एवरीवन, तो यहाँ पे राखी बांधने के बाद मैं गई एक जगह, मतलब मेरे एक भैया हैं जो मैं जिनको बचपन से राखी बांध रही हूँ, बगल में रहते थे पहले हम जहाँ रहते थे कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में। तो बस अब मैं उनको राखी बांधने के लिए आ गई थी, भैया भाभी हैं और मैंने उनके बच्चों को भी राखी बांधी थी। तो ये रहा मेरे पूरा मायके का ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपने ससुराल की राखी का ब्लॉग डालूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।